कभी राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। 2 महीने का वक्त हो चुका है और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोहभंग अब बीजेपी से हो चुका है, इसलिए संभव है कि वो बीजेपी से इस्तीफा दे दे। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई पोस्ट चल रहे हैं, ऐसे में हमने की पड़ताल की कि क्या यह सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को छोड़ सकते हैं। ट्विटर पर @IndiaTVPoll नाम के ट्विटर हैंडल से यह दावा किया जा रहा है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि सूत्रों के हवाले से खबर है, भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार तक बीजेपी को छोड़ने की तैयारी में है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया ने कहा है कि मंत्री बनाओ या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे शिवराज, इनके कारण इज्जत भी गई और कुछ भी नहीं मिला, मामा और मोदी ने मिलकर फंसा दिया। अगर इस ट्वीट को हम ध्यान से देखें तो इस ट्वीट को 11,000 से ज़्यादा यूजर्स ने लाइक किया है और साथ ही साथ 2700 से ज़्यादा लोगों ने इसे शेयर भी किया है। यही ट्वीट फेसबुक पर भी वायरल किया जा रहा है। इंडिया टुडे के एंटी फेक वॉर न्यूज रूम ने पाया कि जिस ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है उसके इंट्रो में साफ लिखा गया है कि ये एक पैरोडी अकाउंट है। इसकी प्रोफेशनल फोटो में भी फर्जी लिखा हुआ है और तो और ये अकाउंट वेरीफाइड भी नहीं है। इस दावे की सच्चाई हम जानना चाहते थे, लिहाजा हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पर्सनल असिस्टेंट हैं पुरुषोत्तम पराशर, उनसे संपर्क किया। उन्होंने इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम से बात में ये भी बताया कि ये जो आर्टिकल चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो दावे किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। ऐसी कोई भी प्लानिंग सिंधिया की नहीं है कि वो बीजेपी को छोड़े। पराशर ने हमें कुछ अखबारों की कटिंग भी भेजी जिसमें दावा किया गया था कि सिंधिया और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन पराशर ने यह भी कहा कि ये सारी खबरें निराधार है, इन्हें कांग्रेस ने छपवाया है और प्रसारित किया है, ऐसा भी दावा पुरुषोत्तम पराशर की ओर से किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च के महीने में बीजेपी का दामन थामा था और कांग्रेस से उन्होंने अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी थी। इसके बाद अब कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट चल रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिंधिया बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब हमने इसकी फैक्ट चेक की, जब इसकी पड़ताल की, तो ये साफ हो गया कि ये सारे दावे फर्जी हैं, सिंधिया की ऐसी कोई भी प्लानिंग अभी नहीं है।